चलिए तो अपने जो हमने गणपति जी के लिए आसन बनाया था लास्ट वीडियो में, उसी से रिलेटेड ये आज का वीडियो है। ये मैं लाई हूँ आपके लिए बैकड्रॉप, जो मैंने आसन बनाया था उसी अकॉर्डिंग मैंने मैचिंग बैकड्रॉप बनाया है। तो ये कैसे बनाते हैं देखते हैं। मेरे पास ये ऐसे तीन पीस अलग अलग थे बचे हुए, तो मैंने उसको क्या किया है, बीच में सिलाई लगा दी। और इसका मेजरमेंट एज सच आप अपने दीवार के हिसाब से आप ले सकते हो, रेक्टेंगल शेप ले सकते हो या फिर स्क्वायर शेप ले सकते हो। जैसे कि मेरा रेक्टेंगल है, मेरी जो दीवार है वहाँ पे मैंने मेजरमेंट ले लिया है। तो आपको पहले मेजरमेंट लेना है, उसके बाद आपको कपड़ा उसी तरह से कट करके लेना है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने तीन पार्ट अलग अलग थे वो स्टिच कर लिए है। बाद में मैं ऊपर के हिस्से को फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करना ज़रूरी है क्योंकि जो खंड मटेरियल है उसके धागे बहुत निकलते हैं, तो कहीं से भी धागे ना निकले और अपना स्टिचिंग भी अच्छा लगे, इसलिए आपको फोल्ड करना है। तो एक फोल्ड लगा दिया, दूसरा फोल्ड मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अभी ये जो फोल्ड मैं लगा रही हूँ ये इसलिए है कि मैं बीच में नॉट लगा डोरी डालूँगी, और डोरी डालने के बाद हम कहीं भी उसको अटका सकते हैं। आपको ये बैकड्रॉप लगाने के लिए ईजी हो जाएगा इसीलिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फोल्ड लगा लेना है ऊपर की साइड में। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों कपड़े का इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है, और इसका आपको मिडल निकालना है। जहां से आप मिडल निकाल ले रहे हो वहां से नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद बॉटम से आपको 10 इंच का मार्किंग करना है। 10 इंच का मार्किंग करने के बाद आप हाफ ट्रायंगल शेप में इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से आपको हाफ ट्रायंगल ड्रॉ करके लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपको ये कटिंग करवा लेनी है। ये अपना पार्ट ऐसे हाफ ट्रायंगल हो जाएगा। हाफ ट्रायंगल होने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको तीनों साइड से फोल्ड कर लूंगी। तीनों साइड से फोल्ड कर लेंगे हम। ये हो गया हमारा फोल्ड। और यहाँ पे क्या करना है देखिए, अभी अगर आपको लेस अटैच करनी है तो डेकोरेशन के लिए आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको हाफ ट्रायंगल शेप में पूरा साइड से लेस लगानी है। अभी कौन सी भी आप ले सकते हो, ब्रॉड साइज होगी तो भी चलेगा। अगर आपको गोल्डन में लेना है, छोटी लेस लेनी है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है, बस वो कंट्रास्ट में होनी चाहिए तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे अलग अलग मल्टीपल लेस मेरे पास पड़े थे, तो मैं यहाँ से जैसे भी मुझे डेकोरेट करना है वैसे मैं यहाँ पे लगा लूँगी। पर मैं सोच रही हूँ बीच में भी एक कपड़ा डाल दूँ, क्योंकि येलो कलर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं उसके ऊपर, ये पर्पल कलर का मेरा कपड़ा था मेरे पास, खन मटेरियल का पड़ा हुआ फैब्रिक था, तो मैं इस फैब्रिक को इस तरीके से मैं स्टिच करने का सोच रही हूँ, और फिर उसको लेस लगा लूँगी। अगर आपके पास होगा तो आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने लेस लगा ली, और बॉटम के साइड में भी मैंने ग्रीन लेस लगा ली है। अब ये ऊपर का जो हिस्सा है, मेरे पास डोर का तोरण बचा, मतलब मैंने लास्ट ईयर में बनाया था, तो इसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो कैसे तोरण बनाना है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये जस्ट मैंने यहाँ पर रखा है, अच्छा दिख रहा है इसलिए। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, चारों तरफ से लेस लगा के सब कुछ रेडी है हमारा। मैंने नॉट भी डाल दी है, मतलब डोरी डाल दी है ऊपर। अब यहाँ पे फैब्रिक के बीच में ही हमने स्वस्तिक निकाला है, तो उसको हम पेंट कर सकते हैं। आपको पेंट करना है, एक्रेलिक कलर ले लो ताकि हमारा कलर निकलता नहीं कभी भी, तो ये कलर छूटता नहीं है कभी धोओगे आप फैब्रिक को तो भी। तो ये हो गया हमारा फाइनल लुक, और इस तरीके से हमारा पूरा बैकड्रॉप प्लस आसन सब कुछ हमारा डेकोरेशन रेडी हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।